हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6। दिस इज अ पार्ट 2। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, इसका आधा चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर ख़त्म कर दिया है। ये पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस किसी भी बच्चे ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप लोग वो पहला वीडियो देखिएगा, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पार्ट का सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट। एक्टिविटी 4 क्या कह रही है? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। 1.3 के अंदर आई होप आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, लाइक ये वाला होमवर्क जो आपको लोगों को मैंने दिया था 1.3 का, ये वाला, ठीक है, कि इडली कहाँ, इडली का सोर्सेस कहाँ पर है और इसके इंग्रेडिएंट कहाँ पर है, चिकन करी का जो इंग्रेडिएंट कहाँ पर, चिकन करी जो होती है वो कहाँ से बनती है, ठीक है, और इसका सोर्सेस कहाँ है, ये मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। Choose those items whose ingredients are obtained from plants. ऐसे items को choose करें, ठीक है, और which parts of a plant, कि वो आपको plant, कौन से plant के कौन से हिस्से से आपको मिलता है। Identify these and listed the food items and plant parts as shown in table 1.4. Activity 5 क्या कह रही है? Take some dry seeds of मूंग और चना, एक dry यानी कि गीले से seeds बीज लें जो कि होंगे मूंग और या फिर चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फील विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। कुछ ऐसे ही कंटेनर फील लें, ठीक है ना, कंटेनर के अंदर रखें, फील विथ वाटर पानी के साथ या फिर लीव्स के साथ, दिस असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए उसको छोड़ दें। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और अगले दिन उसके अंदर से जो पानी होगा वो बिल्कुल छोड़ दें। सीड्स इन द वेसल, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड, और उसको लपेट दें अच्छे से एक छोटे से कपड़े के टुकड़े के साथ। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, और उसके अगले दिन आप लोग कुछ दिन बाद देखेंगे कि कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, जैसे कि ये आपको सीड हैं चने के, चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो चने के अंदर आप लोगों को ये जो रेशेस दिख रहे हैं वो चेंजेस दिखने लगेंगे, ठीक है, स्प्राउट से चना बनने लगेगा। कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे सी इफ यू सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन आपको सीड जो होंगे वो उसके स्प्राउटेड से दिखने लगेंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, और उसको धोने के बाद वो स्प्राउट सीड जो होंगे वो आप लोग आसानी से खा सकते हैं, और ये वाले जो सीड्स जो आप लोग खाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनेबल होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोटीन आपको मिलेगा, इसीलिए आप लोग खाया करें ये चने, ऐसे वाले चने जो होंगे ना वो आप लोग ज़रूर खाया करें। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसको आप लोग बॉइल करके भी खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और इसको आप लोग खाने के लिए आप लोग उसके अंदर कुछ मसाले वगैरह डालें, ठीक है ना, नींबू वगैरह डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी आपको फील होगा। डू यू नो वेयर हनी कम्स, अब आप लोग जानते हैं क्या कि हनी कहाँ से आता है, यानी कि शहद जो है वो कहाँ से आप लोगों को मिलता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये बनता कहाँ से है। हैव यू सीन अ बीहीव फ्रॉम सो वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, आपने कभी ऐसी चीज़ें देखा होगा, बी यानी कि बीहीव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, आपने कभी कहीं सॉरी देखा होगा क्या, वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जहाँ पर बहुत सारी बीज जो होती है ना, यानी कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो भिन भिनाती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज जो होती है ना यानी कि मधुमक्खी जो होती है वो नेक्टर से यानी कि स्वीट जूस, मीठा सा जूस कलेक्ट करती हैं फ्रॉम फ्लावर के अंदर से, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको कन्वर्ट करती हैं हनी के अंदर, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसको स्टोर करती हैं इस चीज़ के अंदर,
ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, इस चीज के अंदर वो स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहीव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। और ये जब भी कभी वो पूरा वो नेक्टर फिल हो जाता है तो हम लोग उसको कलेक्ट करके, ठीक है, और उसका शहद हम लोग निकाल लेते हैं। वॉट डू एनिमल ईट, अब एनिमल हम लोगों को पता तो चल गया कि हम लोग एनिमल को खाते हैं, लेकिन एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ अ डॉग बफेलो और अ गॉट, क्या आपके पास इसमें से कोई एक ऐसे कैटल है, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा पैट है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग ये सब चीज़ें रखते हैं। पैट यानी कि पालतू जानवर जब वगैरह आप लोग आपके पास होंगे, ठीक है, अ डॉग अ कैट बफेलो और अ गॉट, ठीक है, एक सेकंड, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके पास ऐसे कुछ पालतू से जानवर होंगे तो आप लोगों को पक्का पता होगा कि आप लोगों को पक्का पता होगा, आप लोगों को ध्यान अवेयर होंगे इन फूड आइटम से कि ये ऐसे जो पैट्स हैं वो क्या खाते हैं। द एनिमल ईट्स, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, कौन से ऐसे दूसरे प्रकार के जो एनिमल्स होंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, आपने कभी ऑब्जर्व करके देखा होगा कि स्क्वायरल क्या खाती है, पिगन क्या खाता है, लिजार्ड क्या खाती है, या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग एज देयर फूड। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट एज ऑल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ऐसे ही कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे, है ना, ये कुछ बफेलो हैं जैसे कि ये एनिमल है, नेम ऑफ द एनिमल है, और सेकेंड वाले कॉलम के अंदर फूड जो कि एनिमल खाते हैं। बफेलो ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, हे घास ग्रेन्स सब चीज़ें खाते हैं। कैट स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स जो होती हैं वो कैट खाता है, है ना, बर्ड खाती है, मिल्क पीती है। अब रैट लॉयन टाइगर, ये सब चीज़ें आप लोगों को आपके होमवर्क के अंदर करनी है। आई होप आप लोगों के पास बुक होगी, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये पूरा चैप्टर भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, और हाइपर लिंक के अंदर भी मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा PDF उस हाइपर लिंक के अंदर भी आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछिएगा। ईट ऑल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स टेबल। एक्टिविटी 7, हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर हम लोग वो एनिमल्स को डालेंगे जो कि विच ईट ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट्स के बने हुए प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। वो वाले प्रोडक्ट कौन से होते हैं, वो वाले एनिमल्स कौन से होते हैं, हर्बीवोरियस, ठीक है ना, मतलब वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट से बने हुए चीज़ें को ही खाते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोरियस। दे आर सम एनिमल्स विच ईट देयर अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप। वो वाले एनिमल्स जो कि एनिमल्स के दूसरे एनिमल्स की को खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस एनिमल, यानी कि वो वाले एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। Do you find some animals which eat both plants and animals? क्या आप ऐसे animals को भी जानते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी कि green plants भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि tiger, ठीक है, ये दोनों चीज़ खाते हैं, ठीक है, tiger तो carnivore होता है, यानी कि tiger जो है उससे वो सिर्फ मांस खाता है, ठीक है ना, omnivore। ऐसे animal होते हैं जैसे कि dog जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, ठीक है ना, दूध भी पीता है कुत्ता जो होता है, वो डॉग जो होते हैं वो मिल्क भी पीते हैं और मांस भी खाते हैं, ठीक है, तो वो ओमनिवोर के अंदर आते हैं। तो आपको टेबल 1.6 के अंदर यही चीज़ें करनी है, हर्बीवोरियस एनिमल्स लिखने हैं, कार्निवोरियस एनिमल्स लिखने हैं और ओमनिवोरियस एनिमल्स आपको लिखने हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट। हम लोग सब जानते हैं ऐसे बहुत सारे
जानवर होंगे जो कि सफिशिएंट नहीं होंगे इन सब चीज़ों के अंदर। फूड में वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हम लोग जानते हैं ऐसे बहुत सारे प्रकार के खाने हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, दैट विल नॉट बी इनफ, जो कि इनफ नहीं होते हैं। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल ईच वन ऑफ अस। यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रकार के खाने होते हैं जो कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं हमारे चारों ओर। तो बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। मैं आपको इसके सॉल्यूशंस पीडीएफ में एज अ पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा वीडियो के बाद, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसका जो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लिएगा, ठीक है ना, और मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक के अंदर चेक करूँगा। तो बच्चों आज की हमारी क्लास फिनिश होती है और हमारा चैप्टर भी फिनिश्ड होता है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।